नगीना में एक बार मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में अख्तरुल ईमान शायर के रूप में विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंजाब सरकार में मुख्य सचिव भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उर्दू एक ऐसी जबान है कि जो इसलिए कि जब मैं अलीगढ़ में तालीम पा रहा था उस वक्त उनकी दो बेटियां अलीगढ़ में तालीम पा रही थी और अख्तरुल ईमान साहब अक्सर बेशतर कहीं आसपास उनका प्रोग्राम हुआ करता था तो वो उनसे मिलने में कभी यूनिवर्सिटी के स्काउट्स में तो हम लोगों का एक सर्कल था उर्दू वाले कहलाते थे जहां कोई ऐसे शायर ईमान साहब तो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा वो शेयर कि काबे को इन कुत्तों से तो नस्बत है दूर की यहाँ के नहीं तो यहाँ के निकाले हुए तो राज को पहुंचना चाहता हूं। शुरू से अब तक की गुफ्तगू और उनके 10 शेरी मजमुआ है कलाम का आज गवाह है। बल्कि अगर मैं एक शेर में कहूं हुजूर वाला आप अलीगेरियन हैं आप बखूबी के ख्याल के ताबे कही जाए तो यूं हो सकती है कि आपसे मिलकर मिला महराज हस्ती का शरफ आपसे मिलकर मिला महराज हस्ती का शरफ आपसे मिलकर तवाफे काबे इरफा करो आपसे मिलकर मिला महराज हस्ती का शरफ आपसे मिलकर तवाफे काबे इरफा करूं उस कसे हुए जागीरदारी निजाम और इसके जरिए किए जाने वाला इस्तेसाल इस्तबदाद जबर और मुकद्दस